हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान पुलिस भर्ती जो 2021 में दोस्तों इसका फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो दोस्तों जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारे जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जो आपको चाहिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। फालतू कोई भी नहीं बताने वाला हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपको परेशानी में डाले। और मैंने खुद ने फ्रेंड्स जो है 2019 की जो भर्ती है उसका जो है फिजिकल दिया था, तो उसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है कांस्टेबल भर्ती 2019 का जो है शारीरिक परीक्षा का जो है दोस्तों, और इस पर लिखा हुआ है PET पास। तो ये फ्रेंड्स मेरा खुद का है, मैंने खुद ने जो है फिजिकल दिया था, क्लियर किया था। तो मेरे लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ी उस टाइम, तो फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और रेगुलर देखना है बगैर स्किप किए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बगैर समय गवाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें जो प्रमाण पत्र में दोस्तों जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो PET और PST है उसके समय जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं उनका स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होते हैं दोस्तों। तो वो कौन से करने होंगे, तो जैसे दोस्तों एक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। शैक्षिक योग्यता में जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने फॉर्म भरते समय अगर 12th फॉर्म जो है लास्ट उसमें फिल किया है, तो आपको 12th तक के जो जैसे 10th और 12th तक की मार्कशीट है दोस्तों वो आपको ले जानी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपने ग्रेजुएशन का जो है दोस्तों उसमें ऐड किया हुआ है फॉर्म भरते समय कि मैंने ग्रेजुएशन तक की है, तो फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, तो ये दोस्तों आपको तीनों ले जाने पड़ेंगे। वो है दोस्तों शैक्षणिक जो है प्रमाण पत्र। और दोस्तों आप ध्यान रखिए कि इन दोनों की दो दो फोटोकॉपी करवा लीजिए और दोस्तों उस पर खुद हस्ताक्षर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स आपको मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ले जानी है। तो फ्रेंड्स आप एक नहीं दो अपने साथ ले जाए, क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ी ही जाती है। तो यह है दोस्तों फर्स्ट। सेकंड है दोस्तों आयु प्रमाण पत्र, यदि शिक्षण की योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं। अगर फ्रेंड जैसे आपके 10th या आजकल तो दोस्तों जैसे कि 10th की जो मार्कशीट है उसमें सभी में जो है जनरली देखने को मिल जाती है हमें एज, तो जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। अगर नहीं हो बाई चांस तो दोस्तों आपको आयु प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इसमें दोस्तों आप जो है अपनी जो एज है उसको डिनोट कर सकते हो, इसलिए आपके लिए ये लिखा हुआ है, इतना ये आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स अगर आपके शिक्षण योग्यता में डेट है तो। फ्रेंड्स अब मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसमें है कि यदि कोई अभ्यर्थी दोस्तों जैसे SC का होता है, ST का होता है, OBC का होता है, MBC है और EWS है, तो उसको दोस्तों अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो ले जाना होगा, जो कि आप सभी जानते हो फ्रेंड्स। तो जाति प्रमाण पत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रेंड्स वो एक तो EWS में आ रही है और एक आ रही है फ्रेंड्स OBC में। प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स EWS जो है इसमें दोस्तों जो है वित्तीय वर्ष के हिसाब से जो है वो मांगा जाता है जाति प्रमाण पत्र होता है। तो EWS में दोस्तों आपको जो जिस साल जो है अपने फिजिकल होने वाले जस्ट उस ईयर से पिछले साल का दोस्तों इसमें हमें जो है EWS सर्टिफिकेट चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है। और दोस्तों OBC में क्या होता है कि जो 6 मंथ से अगर पुराना हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है बहुत बार। आपका जो जाति है अगर वो 6 मंथ से क्या दोस्तों पुराना है, अगर 6 मंथ से पुराना है फ्रेंड्स तो आप क्या कर सकते हो एफिडेविट बना सकते हो। फ्रेंड्स आप 6 मंथ पुराने जाति के साथ में एफिडेविट लगा सकते हो दोस्तों, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। OBC का जो भी है अगर उसका 6 मंथ से अधिक पुराना भी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये है फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स अब फोर्थ पॉइंट बताता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट में दोस्तों ये है आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों मैंने ऊपर बताया है तो सभी फ्रेंड्स जो है पूछ रहे हैं कि कौन से वित्तीय वर्ष का जो है EWS का सर्टिफिकेट बनेगा, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है कि आवेदन से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात 2020-21 की आय का ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों जो आवेदन से पूर्व का जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 का जो है आय प्रमाण पत्र इसमें आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा दोस्तों, आपको 2021-22 वाला नहीं करना है फ्रेंड्स, 2020-21 का करना है। इसमें आप ध्यान दीजिए EWS फ्रेंड्स, ये जो है EWS के लिए जो अभी जो ये फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या फ्रेंड्स, आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स जो बहुत सारे हमारे जो भाई है वो पहले से ही जो है राजकीय कर्मचारी दोस्तों नौकरी कर रहे हैं, तो उनको जो है नियोक्ता विभाग अध्यक्ष द्वारा मतलब कि
जहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, उनसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको लेना होगा कि मैं यहाँ पर फिजिकल देने जा रहा हूँ, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र। अब है दोस्तों सेवंथ पॉइंट, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले संस्था, ये वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट, तो दोस्तों आपको इस पर ध्यान देना है। शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की, मान लीजिए दोस्तों आपने जो है ट्वेल्थ लेवल पर जो है आपने कोई फॉर्म भराया, जैसे इसमें इस बार क्या था दोस्तों, एक तो ट्वेल्थ लेवल और टेंथ लेवल कर दिया था राजस्थान पुलिस में, तो आरएसी तो टेंथ लेवल पे है, और दोस्तों जो भी जिला पुलिस है या फिर जो अन्य जैसे जीआरपी पुलिस है, तो उसमें क्या दोस्तों ट्वेल्थ लेवल पर हमने जो इस बार फॉर्म जो है दोस्तों मांगे थे, ट्वेल्थ लेवल पर भराया फॉर्म, तो प्रधानाचार्य द्वारा जो जारी चरित्र प्रमाण पत्र होता है एवं तो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति में दोस्तों आप किसी भी एक जो है लेक्चरर से साइन करवा लीजिए, जो भी आपका टीचर्स है उनमें से जो ट्वेल्थ लेवल के हैं, और फ्रेंड्स एक सरपंच के करवा लीजिए, तो दोस्तों आपके तीन चरित्र प्रमाण पत्र। और दोस्तों जो ये तीनों है 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए तभी आपके लिए वैलिड होगे, तो दोस्तों आप ये तीनों अपने साथ जरूर ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली बार फिजिकल दिया था तो मैंने देखा था बहुत सारे फ्रेंड्स लेके ही नहीं आए, तो फिर उनको जो अलग से फ्रेंड्स उनसे लिखवाया था जो है बाय हैंड जो है एक एप्लीकेशन लिखवाई थी, और उसमें लिखवाया था कि अगर मैं पीएसटी क्लियर करने के बाद में अगर फाइनल मेरिट में आता हूँ और वापस मैं मेडिकल के समय आऊँगा तो मैं ये लेकर आऊँगा, तो आपसे दोस्तों वो लिखवाएंगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर गलती से मैं भूल गया या मुझसे बना नहीं, तो फ्रेंड्स आप बस फ्री माइंड से वहाँ पर फिजिकल देने जाइए, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ये है दोस्तों अगला जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों भूतपूर्व सैनिक, जो भी दोस्तों हमारे सैनिक है उनके लिए तो NOC डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है फ्रेंड्स, उनका वो ले जाना है। और फिर अगला पॉइंट है दोस्तों TSP क्षेत्र से संबंधित, अगर आप TSP एरिया में आते हो जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद का कुछ हिस्सा है फ्रेंड्स, तो अगर उसमें आते हो तो आपको TSP प्रमाण पत्र मिला हुआ होगा, तो वो आपको ले जाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दसवां पॉइंट है निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट लिए, मान लीजिए फ्रेंड्स आपने जो है फॉर्म भरते समय अगर आपने क्लिक किया है कि जो है हमारी आय 2.5 लाख से कम है, दोस्तों अगर आपके आय 2.5 लाख से कम है फ्रेंड्स तो आपको ये आय प्रमाण पत्र बनवाना है, और दोस्तों इसमें बनवाना है और ओरिजिनली ही आपको वहां पर लेके जाना है, इसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी फ्रेंड्स। इसलिए अगर आपने पेपर दोस्तों एक से अधिक जगह पर क्लियर किया है तो आपको दोस्तों ओरिजिनल ही बना कर ले जाना, आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी नहीं चलेगी फ्रेंड्स वहां पर, क्योंकि दोस्तों पिछली बार मैंने भी फिजिकल दिया था, मैं भी 2 जगह से मेरा क्लियर था, तो दोस्तों मुझे 2 अलग अलग बनवाने पड़े थे, इसलिए फ्रेंड्स आप सभी भी जितने भी जो है एक से अधिक जगह पर पास हो तो आपको अलग अलग बनवाना है आय प्रमाण पत्र, और उस दोस्तों उस पर फोटो है उसको भी अटेस्टेड करवाना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों वो फोटो अटेस्टेड करवाना इम्पोर्टेंट है, सारी जो 3 फोटो लगती है जैसे दोस्तों नॉर्मली जो एक आय प्रमाण पत्र होता है तो तीनों आपको अटेस्टेड करवानी है, या तो सरपंच से साइन करवाओगे तो उससे, या फिर आप लेक्चरर के पास जाओगे तो वो भी कर देंगे, तो आप किसी से भी करवा सकते हो, और लास्ट में नोटरी करवाते हो तब भी आप नोटरी पब्लिक से भी करवा सकते हो। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10वां पॉइंट। अब बताता हूँ फ्रेंड्स आपको 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट है फ्रेंड्स आवेदक से संबंधित सूचना विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं की 2 फ्रेंड्स, इसमें 2 फोटो के लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स आपको पूरा एक जो है कम से कम जो जैसे नॉर्मली एक 5-6 फोटो का एक ग्रुप बना के ले जाना है, क्योंकि आपके वहाँ पर जो है बहुत सारी जो है अन्य डॉक्यूमेंट्स हो गए उसमें चिपकाने के लिए बहुत सारी फ़ोटो आपको चाहिए, तो दोस्तों आपको कम से कम 5-6 फोटो तो मेरा मानना है कि आपको साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट है फ्रेंड्स विधवा के मामले में, अगर उसके पति की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों तो जो सक्षम अधिकारी का जो प्रमाण पत्र होता है मृत्यु प्रमाण पत्र, वो आपको जो है दोस्तों ले जाना होगा साथ में, और अगर दोस्तों अगर आपका विवाह विच्छेद हो गया दोस्तों, आपका तलाक हो गया है, तो दस्तावेज जो है दोस्तों सबूत के तौर पर आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, जो विधवा कोटा होता है राजस्थान पुलिस में तो उनको जरूरी होता है दोस्तों ये ले जाने के लिए। अब दोस्तों है 13वां पॉइंट, ये ड्राइवर जो भी कांस्टेबल ड्राइवर पद पर जो है जिसने आवेदन किया फ्रेंड्स उसके लिए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर दोस्तों आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो वो दोनों यहाँ पर वैलिड है दोस्तों,
आप दोनों को देख सकते हो दोस्तों, आपको किसी प्रकार का इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल दोनों लाइसेंस यहाँ पर चल सकते हैं फ्रेंड्स। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और दोस्तों, विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये विज्ञप्ति जारी हुई है फ्रेंड्स, इसकी जो डेट है उससे 1 वर्ष पुराना होना चाहिए आपका जो भी लाइसेंस है। इसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत आप सभी के लिए। अगर दोस्तों एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है दोस्तों, जैसे कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो दोस्तों ये करवा रही है जोधपुर वाली, तो दोस्तों उसका जो डिप्लोमा है तो वो अगर आपने किया है तो दोस्तों आपको ये फिजिकल के टाइम साथ में ले जाना है। फिजिकल जब होगा फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म भरते समय उसमें टिक किया है या नहीं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्रेंड्स। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो आपको जो है दोस्तों आवाज़ देकर वहाँ पर बुलाएंगे टेंट में, और फ्रेंड्स आपको वहाँ पर जाके इसके नंबर एड करवाने हैं। और फ्रेंड्स, ये प्रोसेस कब होगा? जब आप रनिंग पास कर लोगे फ्रेंड्स, जब आप रनिंग पास कर लोगे तब आपको जो है टेंट में बुलाया जाएगा और आपको जो है वो चेक करवाने होंगे। अगर दोस्तों आपने किया है तो उस टाइम आप अपने साथ ले जाइए दोस्तों, और ओरिजिनल ले जाना है फ्रेंड्स। ओरिजिनल चेक होगा, फोटोकॉपी भी उसकी ले जानी है, और दोस्तों वो स्वहस्ताक्षरित करके ले जाना है, तो वहाँ पर जमा होगी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको वापस दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको ऐसा कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए फ्रेंड्स। बाकी सभी की फोटोकॉपी करके ले जानी है, दो दो का तो सेट जो है स्वयं हस्ताक्षरित तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स। उसके अलावा जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे आपको लिखा हुआ मैंने बताया फ्रेंड्स, ये सारे आपको ले जाने हैं। और फ्रेंड्स, जो भी मैंने जानकारी बताई है, मैंने खुद ने दोस्तों 2019 का फिजिकल दिया था, तो उसमें मुझसे खुद से मांगे थे। और दोस्तों सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि दोस्तों, जैसे मैं 2019 में मैंने फिजिकल दिया था, तो दोस्तों मेरा क्या हुआ था कि गलती से मैंने जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी डायरेक्ट सेलेक्ट कर ली थी, और मैं ओबीसी से आता हूँ तो फ्रेंड्स, और मैं 2.5 लाख से कम मेरी आई थी, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, 2.5 लाख से कम आय होने के कारण मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करी, तो मैं सीधा दोस्तों ओबीसी के बजाय ईडब्ल्यूएस में चला गया। और फिर फ्रेंड्स, मैं फिजिकल देने गया तो मुझसे वहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा, क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस में आ चुका था गलत कैटेगरी भरने की वजह से। लेकिन फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि आप जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो हमें दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर फॉर्म में गलत हुआ है तो। फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पर ओबीसी का प्रमाण पत्र मेरा दे दिया था, तो फिर मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने वहाँ पर ओबीसी का लगा दिया। और फ्रेंड्स, जो फॉर्म में जो भर गया दोस्तों, उससे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि दोस्तों जो है जेंडर ही गलत भर दिया है, जैसे दोस्तों कोई मेल है उसने फीमेल भर दिया है, तो फ्रेंड्स उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे जो गर्ल्स की जो मेरिट है फ्रेंड्स, वो 5 से 10 नंबर के आसपास थोड़ी कम रहती है, तो अगर फ्रेंड्स आप इस क्राइटेरिया को अगर पूरा नहीं कर रहे हो, और आप अभी तो पास हो गए हो फीमेल के लिए, लेकिन मेल कैटेगरी में जाते अगर आपने मेरिट से कम नंबर आए आपके पास, तो आपको दोस्तों अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा फिजिकल में ही, क्योंकि दोस्तों आपके जो है मेरिट से कम नंबर है। अगर दोस्तों आपके नंबर अच्छे हैं और अगर आपने फीमेल हो गया है अगर गलती से मेल की जगह, तो भी दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपका सही कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो वहां पर सभी डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों आपको दिए जाते हैं और चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और महिलाओं बच्चों सैनिकों का हमेशा सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।